ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। महाराष्ट्र अब तक कोरोना संक्रमण से उबर नहीं पाया है। कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता उन पुलिस कर्मियों की है जो जान जोखिम में डालकर सड़कों पर खड़े हैं। अब इन पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी फाउंडेशन सामने आया है। राज्य सरकार और पुलिस विभाग की इजाजत के बाद पुलिस कर्मियों का फ्री हेल्थ चेकअप और कोरोना चेकअप किया जा रहा है। 93 पुलिस स्टेशनों में अपनी टीम के साथ पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 50 से ज्यादा केस पॉजिटिव भी मिले हैं। जांच के दौरान पुलिस कर्मियों में बीपी, मानसिक तनाव और दूसरी बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी टीम ने आज अपने 40वें पुलिस स्टेशन जुहू में चेकअप किया। इनका लक्ष्य मुंबई के सभी 93 पुलिस स्टेशनों के पुलिस कर्मियों का चेकअप करना है। ये लोग मानते हैं कि पुलिस अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा कर रही है, इसलिए जरूरी है कि उनके स्वास्थ्य की चिंता भी की जाए। जून से लेकर अब तक हम लोग 39 पुलिस स्टेशन कर चुके हैं। ये हमारा 40वां पुलिस स्टेशन है जहां पे अभी हम खड़े हैं, जू पुलिस स्टेशन के लोगों का। और आगे जाकर के हमारा जो फेज वन है फिलहाल, वो हम लोग जब 47 पुलिस स्टेशन हो जाएंगे तो हम 3 दिन का ब्रेक लेंगे या 4 दिन का ब्रेक लेंगे ताकि हमारे लोगों की भी एनर्जी वापस आ सके। फिर हम फेज 2 चालू करेंगे, उसमें आगे के 47। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब से 12 जून से आपने चालू किया है और ये 40वां पुलिस स्टेशन जुहू पुलिस स्टेशन है, ऐसे में क्या ऐसे कुछ लक्षण पाए गए पुलिसकर्मियों में जिसे सही समय रहते आप लोगों ने पकड़ लिया और उनको क्वारंटीन किया या उनके इलाज की प्रोसेस की सुविधाएं आपने मुहैया कराई? बिल्कुल बिल्कुल, हमने करीब अभी अगर एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है लेकिन डेफिनेटली 50 के ऊपर कोविड टेस्ट हमने किए हैं और जो हमारा कोविड पॉजिटिविटी रेट है सस्पिशन में वो मोर देन 60-70% है। मान के चलिए अगर हम 10 लोगों का कोविड टेस्ट कर रहे हैं तो 6-7 को पॉजिटिव आ रहा है। अभी परसों भी हमने जब RCF 3 दिन पहले RCF में हमने टेस्ट किया था, RCF पुलिस स्टेशन में, वो भी पॉजिटिव।